हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने माइक्रोमैक्स IN1B एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना कभी भी अगर स्लो चार्ज होने लगता है ना, तो आपको सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, कभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं ना, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाने के लिए हमेशा जो है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ वाला चार्जर आपको यूज़ करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी भी दूसरे मोबाइल फ़ोन का चार्जर यूज़ कर लेते हैं चार्जिंग के लिए, उससे भी हमारा मोबाइल फ़ोन का चार्जर चार्जिंग जो है ना स्लो होती है, क्योंकि वो दूसरे फ़ोन का जो चार्जर होता है हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप कभी भी अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं ना, तो आपको अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है अपने फ़ोन को। ठीक है, काफ़ी सारे लोग जो अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के इस्तेमाल करते हैं, जिससे भी उनकी जो चार्जिंग है वो बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब देखिए, कुछ और भी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, कभी भी आप अपने मोबाइल फोन का अगर स्लो चार्ज होता है ना, तो आपको अपने फोन को सबसे पहले रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको ना उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ना एक छोटा सा पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है, तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए, हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है, ऐसी बहुत सारी कमियां जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का नीचे की साइड जो चार्जिंग पोर्ट होता है ना, जहां पर आप अपने चार्जर को कनेक्ट करते हैं, तो जो नीचे की साइड मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट होता है, उसे आपको है ना हल्के हाथों से साफ कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो है ना धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण भी जो है स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इसे हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का एक बार सिस्टम चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड ना होने के कारण भी जो है हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेटेड है या नहीं, आप कैसे चेक करेंगे? देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सबसे पहले तो इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड इस सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट। ठीक है, तो आपको नीचे की साइड सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सिस्टम अपडेट की सेटिंग में लेकर आ जाएगा, इसे टैप करना है। इस सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है, आपको उसे टैप कर देना है, तो आपका मोबाइल फोन जो अपडेट हो जाएगा और आपकी फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने फोन को जो है ना रीसेट देना है। देखिए, आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तभी आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज आपको फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान पहले करनी है, उसके बाद आपको जो है फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करिए, तो आपके मोबाइल फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा, जो आपके एरिया के आसपास होगा, वहां पर आपको चले जाना है, वहां पर आपको अपना फोन दिखा देना है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपका फोन में जो है स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।